ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान घायल हुए युवक पर मुंब्रा पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान भिवंडी के रहने वाले समर जमाल को ट्रैफिक पुलिस का डंडा नाक पर लगने की वजह से काफी हंगामा हुआ था। समर जमाल पर 353, 332, 289 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। वहीं घायल समर जमाल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है ऐसा बताया है, ऑपरेशन भी करना पड़ेगा ऐसा बताया है। ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। सभी क्रेडिट लेने के लिए मुंब्रा पुलिस स्टेशन में MIM और NCP के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए थे। समर जमाल पर क्या जानकारी दी है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट ने। सर, ट्रैफिक विभाग में जो उस दिन लड़के को डंडा लगा उसके ऊपर क्या FIR हुई थी? 28/8/19 को जो इंसिडेंस हुआ था उसमें फेरेरी काका साहब बरगे इन्होंने जो कंप्लेंट दिया हुआ है उसके ऊपर से हमने 353, 332, 279, IPC और 128, 173, 177 मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक गुना दर्ज किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, उस दिन क्या काका साहब क्या कर रहे थे, क्या नाकाबंदी चल रही थी, किस में उनका ट्रैफिक विभाग का नाकाबंदी चल रही थी, उसमें वो कार्रवाई कर रहे थे, उसमें ये इंसिडेंस हुआ था। सर, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि काका साहब ने मारा है, लेकिन काका साहब से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि डंडा लग गया। तो नहीं, मारा नहीं था उसमें, वो ट्रैफिक की कार्रवाई कर रहे थे। ये ट्रिपल सीट आया ये लड़का, ट्रिपल सीट आने के बाद में वो एक कांस्टेबल को पहले रोका नहीं, दूसरे आगे ये बरगे साहब खड़े थे उन्होंने भी रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो रुका नहीं, वो सीधा चला गया। वो जोर से था गाड़ी व्हीकल, उसकी टू व्हीलर जोर से थी, तब उसको वो डंडा रोकने को गए तो वो नाक को लग गया था। माहौल खराब करने से कारण नहीं है। दो तीन लोग हैं जो मतलब उसका रहे हैं लोगों को, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो कार्रवाई है वो रेगुलर चालू रहेगी। वहीं लोगों ने ट्रैफिक विभाग पर भी कार्रवाई की मांग की है। मांग करने वालों को भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही ये मांग उनकी पूरी की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।